मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की है, जिसमें खिलचीपुर नाके पर अवैध रूप से संचालित मांस मछली और अंडे की दुकानों और ठेलों को हटाया गया। हालांकि प्रशासन के अमले को देखकर दुकानदारों ने स्वयं अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है। नगर पालिका सीएमओ महमूद खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगर में जहाँ भी खुले में अवैध रूप से मांस मछली और अंडे की दुकान होगी उसे हटाया जाएगा। नहीं नहीं, नगर में अगर जो मेन रोड पर अगर ठेले मेले लगे हुए हैं उनको भी व्यवस्थित कराएंगे अभी हम, ताकि रोड जो जाम होता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उनको अभी हम व्यवस्थित करा देंगे। उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यहाँ पे स्कूल की बेंचे भी देखी जा रही है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। नहीं, स्कूल की बेंचे कहाँ है? इधर स्कूल की बेंचे तो नहीं है कहीं? कहाँ है स्कूल की बेंच? ये रखी हुई है, ये स्कूल की बेंच है जो स्कूल में रहती है। नहीं नहीं, वो तो ये इन दुकानदारों की हैंगी, ये तो अपनी दुकान वाले ही रखे थे ये बेंचे, स्कूल की कोई नहीं थी, ये दुकानदारों की थी। इससे आए दिन दुर्घटना हो रही थी, इसलिए ये अतिक्रमण हटाया। ये जो आज कार्रवाई हुई है ये क्या मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुई है जो कल उन्होंने? ये तो प्रशासनिक पहले ही से है और मुख्यमंत्री जी के तो अभी आदेश हुए हैं, जो तो पहले ही से हटाया जाना था, और मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हुए हैं तो कुछ उस तारतम्य में भी कार्रवाई।